राहुल गांधी को मानहानि मामले में मिली जमानत। सूरत के सेंसन कोर्ट ने मानहानि मामले में राहुल गांधी को 13 अप्रैल तक जमानत दे दी है। बता दें कि 11 दिन पहले मानहानि के मामले में सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद राहुल की लोकसभा सदस्यता भी चली गई थी। पीएम ने सीबीआई से कहा, कोई भ्रष्टाचारी बचना नहीं चाहिए। पीएम मोदी ने सीबीआई की सराहना करते हुए कहा, जब किसी को लगता है कि ये केस तो असाध्य है, उस स्थिति में मामला सीबीआई को देने की बात होती है। सीबीआई जांच की मांग के लिए आंदोलन होता है। जनसाधारण का ऐसा भरोसा जीतना सीबीआई के लिए गौरव की बात है। साथ ही उन्होंने कहा कि किसी भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जाएगा, सभी को सजा मिलेगी। मनीष सिसोदिया को नहीं मिली राहत, 17 अप्रैल तक जेल में रहेंगे पूर्व डिप्टी सीएम। दिल्ली शराब नीति मामले में जेल में बंद आप नेता और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी गई है। मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया है, जहां अदालत ने उन्हें 17 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में रखने का आदेश दिया है। इसराइल ने मार गिराया सीरिया की तरफ से आ रहा एयरक्राफ्ट, बढ़ सकता है तनाव। इसराइल और सीरिया के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ सकता है। इसराइल की सेना ने सीरिया की तरफ से आ रहे उनके हवाई क्षेत्र में घुस रहे एयरक्राफ्ट को मार गिराने का दावा किया है। एजेंसी के मुताबिक इसराइल डिफेंस फोर्स IDF ने बयान जारी कर एयरक्राफ्ट शूट करने की जानकारी दी है। इंडियन आइडल 13 के विनर बने ऋषि सिंह। इंडियन आइडल के अब तक 13 सीजन हो चुके हैं। इंडियन आइडल के सीजन 13 की ट्रॉफी उत्तर प्रदेश के अयोध्या से आए ऋषि सिंह के नाम हो गई है। SBI का सर्वर डाउन होने से ऑनलाइन और UPI सेवाएं प्रभावित, ग्राहक हो रहे परेशान। भारतीय स्टेट बैंक SBI के कई ग्राहकों को नेट बैंकिंग और UPI सेवाओं के लिए समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कई SBI उपयोगकर्ताओं ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर बैंक सर्वर धीमी होने के कारण हो रही परेशानी के बारे में बताया है। प्रियंका चोपड़ा के जबरदस्त डांस परफॉर्मेंस की कायल हुई गौरी खान। सुपरस्टार प्रियंका चोपड़ा ने निता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर इवेंट के दूसरे दिन जबरदस्त डांस परफॉर्मेंस दी है, जिसे देखकर गौरी खान भी झूमती हुई नजर आई हैं। फिर दुनिया के टॉप 5 कोरोना संक्रमित देशों की सूची में पहुंचा भारत। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार रविवार को संक्रमण की चपेट में आने से 11 लोगों की मौत हो गई। इनमें 4 केरल, 3 महाराष्ट्र और दिल्ली, कर्नाटक और राजस्थान से एक एक मौत शामिल है। इसी के साथ कोरोना से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 5,30,892 हो गई है। राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाने के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध की तैयारी, कांग्रेस ने बनाई रणनीति। राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाने के बाद तेलंगाना कांग्रेस ने बड़े पैमाने पर इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी कर रही है। तेलंगाना कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे के निर्देश पर कांग्रेस पार्टी प्रदेश भर में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन की तैयारी कर रही है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर RCB के खिलाफ 8 विकेट से मिली हार के बाद मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा ने कहा है कि पिछले 6 से 8 महीनों से वह स्टार पेसर जसप्रीत बुमराह के बिना खेलने के आदी हो गए हैं।